भी कम सेलिब्रेशन चल रहा हमारा, ठीक है। आज जो हम करने जाएंगे हाउसकीपिंग के ऊपर, हाउसकीपिंग, तो हाउसकीपिंग के लिए हम आज 5S की बात करते हैं। 5S क्या होता है मालूम है सब आप लोगों को, तो मालूम है कि बताया था मैंने पहले भी। 5S क्या है? जापनीज शब्द है। क्या है? एक जापनीज शब्द है जिसका, जिसको टोयोटा कंपनी, एक निर्माता कंपनी है, उसने सिस्टम डेवलप किया था जापान में। पहले उसने फॉलो किया, फिर पूरे जापान ने फॉलो किया, उसके बाद में उसके बेनिफिट आने लगे तो पूरी दुनिया ने उस सिस्टम को फॉलो किया। तो 5S क्या है? पहला एस क्या है? जापनीज शब्द है सेरी, और अंग्रेजी शब्द है उसका शॉर्ट, और इसके हिंदी है, हिंदी क्या है? छटाई। यानी कि कोई भी काम आप वर्क स्थल पर आप काम करते हैं, तो उस काम को करने के साथ में वहां पे जो भी चीजें उसकी छटाई करना। छटाई में क्या, कैसे सेग्रीगेशन करोगे आप, छटाई कैसे करोगे? यानी कि सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि हमें वहां काम की चीजें क्या है हमारे, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे काम की चीज क्या नहीं है। तीसरी चीज, उसमें वो अभी काम की है या बाद में काम की, या कुछ ऐसी भी चीज है वो काम में अभी आएगी या कुछ है? अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, पहले वो चीज समझते हैं जो कभी भी हमें काम में नहीं आएगी। वो चीज कौन सी है? जैसे अपना स्क्रैप निकलना, वो अभी हम कभी भी काम में नहीं आएगा वहां पे, तो पहले उसको हटाना है। स्क्रैप में क्या क्या आ गया भाई? जो मशीन की कटिंग निकलती है, या फिर वहां पे जो पैकिंग के जो बॉक्स निकलते, गार्बेज जो निकलता है, वो हो गया, पहले उसको हटाना। दूसरी चीज जो हमें काम में आएगी लेकिन वो बाद में आएगी, वो क्या चीज है? जैसे अपना एक्स्ट्रा एक्सेस मटेरियल पड़ा है, काम में तो आएगा उस जगह पे, लेकिन वो बाद में काम में आएगा, तो वो भी एक्सेस हमें नहीं रखना है। तीसरी चीज कि कोई ऐसा टूल होता है, जैसे टूल भी रहते हैं ना, अपन बहुत सारे टूल रखते हैं, उसका यूज तो होगा लेकिन हम बाद में यूज करेंगे, तो वो भी वहां से हटाना है। तो ये पहला एस हो गया। दूसरा एस है सीटोन। सीटोन मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, हिंदी अनुवाद इसका सुव्यवस्था। यानी कि जो भी हम मटेरियल है हमारा, उसको व्यवस्थित तरीके से हमें रखना है स्टोर में, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ में, ताकि जिससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, जब भी हमें उसकी आवश्यकता हो तो उसको हम तुरंत पा जाएंगे, तो उसमें हमारा टाइम लॉस बचेगा, जो टाइम जो खर्च होगा वो नहीं होगा। तीसरा ऐसे हमारा सेसो। सेसो मीन्स शाइन, अंग्रेजी शब्द है साइन या फिर क्लीनिंग, और हिंदी अनुवाद इसका साफ सफाई या स्वच्छता। स्वच्छता चमकना या उसको स्वच्छ करना। अब उसको स्वच्छ करेंगे तो हमें बेनिफिट क्या रहेगा स्वच्छता से? भाई हमें वहां पे जो भी वहां के खतरे हैं, खतरे हैजार्ड्स होते हैं, जैसे स्लिपिंग ट्रिपिंग, या जैसे कि अनवांटेड मटेरियल, जिससे फर्श गीला है, उससे उस सब जगह जो भी उससे वायलेशन होने वाले, सेफ्टी वायलेशन, जिससे हमें दुर्घटना के हम शिकार हो सकते हैं, उससे हम बच पाएंगे, ठीक है। तो हमें स्वच्छता का तीसरा ऐसे जो साइन है और क्लीनिंग है उसको करना है। चौथा एस है सिकेत्सु। चौथा एस कौन सा है? जापानीज वर्ड सिकेत्सु। इसका है अंग्रेजी वर्ड स्टैंडर्डाइजेस, यानी कि मानकीकरण करना। मानकीकरण करना यानी कि जो भी व्यवस्था है, आपने जो भी सामान रखा है उसका नाम सहित लिस्ट लगाना। ये आपका स्पेनर हो गया ओपन स्पेनर, ये आपका हैमर, ये आपका चीजल, ये आपका एलंगी, ऐसे लिस्ट बना दो नाम सहित, ताकि आप जब भी आपको आवश्यकता लगे तो नाम सहित लिस्ट रहेगा और मानकीकरण रहेगा, तो आपको टाइम लॉस के साथ में आपका जो भी है उसमें आपका एक क्वालिटी भी आएगी आपके काम में, है ना। ये चार एस हो गए। अब पांचवा एस है करो सित सुके, होता है डिसिप्लिन से, है ना। आखिरी एस होता है जो इसका अनुशासन से संबंधित है। अनुशासन यानी कि जो आपने चार एस जो करे उसका पांचवा ऐसी है कि अपने को जो भी आपने काम करा ये चारों को पालन करना है, साथ में जो भी हमने करा हाउसकीपिंग करी तो उसको एक आदत के तौर पे करना है ना, आदत के तौर पे, रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पे, गुड हाउसकीपिंग, इफेक्टिव हाउसकीपिंग। इफेक्टिव हाउसकीपिंग किसको बोलते हैं? रोज जिसको करना। इफेक्टिव हाउसकीपिंग का मतलब रोज हमें रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पर करना, ऐसा नहीं कि आज कर दिया कल नहीं करेंगे, वो इफेक्टिव हाउसकीपिंग नहीं है, है ना। तो ये एक 5S का एक तरीका होगा, एक सिस्टम है, इसके तहत अगर हम काम करेंगे तो हमें इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट पहला होगा, देखो हमारी क्वालिटी बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी की, साथ में हमारे काम में सुधार आएगा, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमें
वहां के जो भी दुर्घटना है, एक्सीडेंट होने की संभावना है, उससे हम बच पाएंगे, है ना। तो ये उसके बेनिफिट है इस तरह से। तो हमें हाउसकीपिंग एक आदत के तौर पे करना है, और आज हम हाउसकीपिंग का हमारा डे भी है, वो भी हम करेंगे, आगे सर बताएंगे। थैंक यू। जो भी है हमें पानी पहन